नमस्कार, नमो नारायण, जय श्री महाकाल। मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल केटी ज्ञान में। और अप्सराओं की साधना को आगे बढ़ाते हुए आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शशि कला अप्सरा के ऊपर। शशि जैसा कि नाम है, शशि मतलब चंद्रमा, और ये जो अप्सरा है वो बहुत ही खूबसूरत है, मनमोहिनी है। और शशि यानी चंद्र जो देवता है उनके सभा में सेविका का काम करती है। और जब भी किसी का साधना तोड़नी होती थी उस समय में इस सेविका को भेजा जाता था इंद्रलोक से। इसकी साधना थोड़ी सी लंबी जरूर है, साधना लंबी जरूर है, लेकिन अगर आप इसे सही से करते हैं तो आपको सभी मनोवांछित फल मिलते हैं। और साधना को पूर्ण करने के बाद दो चीजें जो हैं वो 100% हो जाती है। एक, आपकी जो माता है वो आपके पक्ष में हो जाती है क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है। और दूसरा जो है, आपकी कुंडली में अगर वीक यानी कमजोर चंद्रमा हो वो भी स्ट्रांग हो जाता है। सो इसका जो साधना का तरीका है वो ऐसा है कि आपको व्हाइट यानी सफेद कलर के कपड़े पहनने हैं, और दिन इसका सोमवार का होगा और शुक्ल पक्ष का दिन होगा, या फिर किसी भी ऑस्पिशियस जो आपका डे आता है, बहुत ही अच्छा शुद्ध दिन होता है, अच्छा पुण्य दिन होता है, उस दिन में आप इस साधना को कर सकते हैं। स्फटिक की माला से कर सकते हैं, और अगर स्फटिक की माला आपको नहीं मिलती है तो मोतियों की माला से भी करने का विधान है। सो देखिए, ये जो शशिकला उसे आप माँ के रूप में करिए, क्योंकि माँ के ही कारक है, और किसी रूप में आप इसे पूजिए भी मत, क्योंकि अगर आपको अपना चंद्रमा ठीक करना है तो। सो अगर हम किसी भी देवी देवता को, जो भी देवियां हैं उन्हें माँ के रूप में करते हैं, जैसे माँ दुर्गा हो गई, और जैसे माँ राधा हो गई, माँ लक्ष्मी हो गई, माँ सरस्वती हो गई, तो आपको जो चाहिए होता है इसके बदले में, जैसे रूप, यौवन, आकर्षण, वो स्वतः ही मिल जाता है, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 51 दिन आपको ये करना है, और 31 माला इसका करना है, जो मैं मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। तरीका सेम वही है, सोमवार का दिन है, 10 बजे रात्रि का आप समय चूज करिए, आसन और आपके कपड़े व्हाइट कलर के होंगे, और माला में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं नॉर्थ फेसिंग होगा। और इसके पहले आपको गणेश जी की वंदना यानी स्तुति करनी होगी, अपने गुरु का ध्यान लगाते हुए, गुरु से आग्रह लेके गुरु के मंत्र की एक माला करनी होगी, भगवान भैरव के मंत्र की एक माला करनी होगी, क्योंकि भैरव जो है सारे अप्सराओं जो है उनकी अधिष्ठात देवता है, तो आप उनकी साधना करिए, उनकी पूजा करिए, उन्हीं के द्वारा ही एक कवच खींचिए जिससे आपके शरीर की, आपके परिवार की रक्षा होती है। उसके बाद आपके जो स्थान देवता हैं उसकी पूजा करिए, उसके बाद आपके जो इष्ट देवता हैं उनकी पूजा करिए, फिर आपके कुल देवता की पूजा करिए, पितरों का आप स्मरण करके अपनी साधना को आगे बढ़ा दीजिए, और माला का जाप करते रहिए। इस समय में यानी इन जो साधना का समय होता है उस समय में किसी से ज्यादा बातचीत मत करें, अपने गर्दन को यहां वहां मत हिलाएं, अपने मोबाइल को साइलेंट रखें, स्विच ऑफ कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कोशिश ये करें कि जो भी आपको अपना कार्यक्रम करना है, आप समझ रहे हैं कि मैं दैनिक दिनचर्या की बात कर रहा हूं, वो पहले ही कर लें तो ज्यादा अच्छा है। नहा धो के बिल्कुल शुद्ध आसन पे बैठ जाइए, अपने ऊपर गंगा जल जो होता है वो छिड़क लीजिए, उससे आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, और अपने आसपास का जो है वातावरण वहां पर भी गंगा जल छिड़क दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा इत्र अपने ऊपर छिड़क लीजिए, और उसके बाद स्मरण करते हुए इन माता का चित्र जो आपने बनाया हुआ हो, अगर आपके पास चित्र के पैसे नहीं है बनाने के, तो आप नॉर्मल भी एक प्रिंटआउट निकाल के 2-5 रुपए 10 रुपए का जो भी आप निकाल के आते हैं फोटो कॉपी दुकान से, उसको भी मान लेते हैं तो वो भी उसी देवता का रूप ले लेता है। उसके बाद आप इन्हें चढ़ावा चढ़ाइए, चढ़ावे में आप इन्हें भोग लगाइए। मैंने बताया है भोग, आप हलवा लगा सकते हैं, आप खीर लगा सकते हैं, मावा लगा सकते हैं, जो जैसी श्रद्धा, जो आपका बजट अलाउ करता है, जो आपकी श्रद्धा होती है उसी हिसाब से आप भोग लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अपने हाथ में जो होता है कलावा बांध लीजिए। कलावे का एक बहुत बड़ा रोल होता है अपनी जिंदगी में, क्योंकि जब भी हम कोई भी साधना या मंत्र करते हैं, या कोई ऐसी दीक्षा किसी से लेते हैं, या किसी प्रकार की भागवत महापुराण होती है, तो उससे क्या होता है कि जो उस मंत्र का उच्चारण हुआ है, जो वो साधना हुई है, जो हमने पूरा रूपरेखा तैयार की है, वो हमें उन सब चीजों से बचाती है, और रक्षा सूत्र का काम करता है हमारी कलाई में। सो एक ये भी फायदा इसका होता है। सो इन देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। उसके बाद अपने माथे पे
अपने माथे पे तिलक लगा सकते हैं, जिसके पास केसर है वो केसर लगा दी, जिसके पास हल्दी वो हल्दी लगा दी, जिसके पास रोली कुमकुम जो है अपनी श्रद्धा और पैसे के अनुरूप आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जो भी लोग ये साधना कर रहे हैं अप्सरा की, अगर आपको अप्सरा दर्शन नहीं देती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। आपकी साधना आंशिक रूप में भी आपको फल दे देती है। आंशिक रूप का मतलब क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हर देवी देवता आपको प्रकट ही हो, आपको उसका फल बिना दिखे भी मिल जाता है। यानी जो आपने सपना सोचा है, जिसके लिए आप साधना कर रहे हैं, वो उद्देश्य धीरे धीरे पूरा होता चला जाएगा। और इस शशि साधना जो है आपकी, शशिकला साधना है, शशिकला अप्सरा जो है उसकी साधना में यही विधान है कि आपको माँ का जो प्यार है, कई लोगों ने देखा है कि उनकी माँ से बनती नहीं है, बिकॉज ऑफ आपके वीक मून और चंद्रमा कारण, तो वो उनको पूरा मिलने लगता है फायदा अपनी माँ से, और चंद्रमा उनका जिंदगी में हो जाता है। क्योंकि चूंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, तो ऐसे लोग अपने मन को सही प्रकार से इस साधना के बाद लगा पाते हैं। तो आशा करता हूं आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा, और अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर कर दे। ऐसे ही और भी अप्सराओं की साधना के ऊपर अच्छे अच्छे वीडियो मैं बनाता रहूंगा। अभी के लिए इतना है, और श्री हरि नारायण विष्णु जगत के पालनहार आपका पालन करें, सभी का पालन करें, और सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें। माँ बगलामुखी आपके सभी शत्रुओं का स्तंभन करे, और भैरव जी आपको सही प्रकार से मंत्र का ज्ञान कर दे। अभी के लिए मैं समझ जाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। नमो नारायण, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय माँ बगलामुखी।